गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काजल अम्बद बौद्ध फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी शाम के लगभग 4:30 बजे हुए हैं और मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मैं सो गई थी। आज मेरा फास्ट भी है सावन सोमवार का, तो मैं सो गई थी तो लगभग अभी उठी हूँ और अब मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि शाम हो गई है और मेरे बिल्कुल बिखरे बिखरे बाल और मैं कैसी हो रही हूँ, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और फिर आगे की प्रिपरेशन करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डोसा की रेसिपी। हाँ, आज मैं डोसा, आज तो नहीं कल बनेगा, लेकिन मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे मतलब बनता है डोसा, मैं कैसे बनाती हूँ तो आप लोग कैसे बनाते हैं वो बताना, और मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इनको खाने थे डोसा तो मैंने बोला कि मैं आपको घर पर ही बना के दूँगी, बाहर का नहीं खाएँगे। तो मैं अब से अभी जाती हूँ और चावल और दाल को मैं डालती हूँ भिगोने। तो आप लोग के साथ आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और मैं तैयार होके मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो चलिए आप लोग, मैं यहाँ से डोर क्लोज कर देती हूँ और चलते हैं नीचे। देखते हैं मम्मी और सानू क्या कर रही हैं। सानू, सानू कहाँ है? तो मैं डोसे के लिए दाल और चावल ले लेती हूँ, तो आप लोग बने रहिए। तो मैंने एक कटोरी दाल ले ली है और मैं इसको गलने के लिए डाल दूँ। तो मैंने ये दाल ले ली और मैं इसको अच्छे से एक बार वॉश कर लूँगी, इसका पूरा पानी निकाल दूँगी और इसको दोबारा फिर से एक पानी में डालूँगी। कटोरी से हमने दाल ली थी, हम उसी कटोरी से दो कटोरी चावल लेंगे। तो मैं इसमें इस बर्तन में ये एक कटोरी चावल डाल दूँगी और एक दूसरी कटोरी चावल भी डाल देंगे और इन दो इसको हम अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे और फिर इसको गलने के लिए रख देंगे। मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो इसको हम ऐसे गलने के लिए रख देंगे और हाँ, हम इसमें थोड़ा सा मेथी दाना भी डालेंगे। हम इसमें एक चम्मच पूरे मेथी दाने डाल देंगे क्योंकि मेथी दाने से हम फ्रेंड्स, मैंने दाल और चावल को मिक्स मतलब अलग अलग गलने के लिए रख दिया है और अब हम उसको 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद उसको पीसेंगे। तो अभी शाम के लगभग 5 बजे हुए हैं तो हम 9 बजे के लगभग हम उसको पीसेंगे और फिर उसको मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको लोहे के तवे पर बना के बताऊँगी। तो जिसके घर में लोहे का तवा होगा तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो 9 बज गए हैं और लगभग दाल को और चावल को भिगोए 4 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब हम उसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए हमारे दाल और चावल कितने अच्छे से फूल गए हैं, 4-5 घंटे में अच्छे भीग गए। तो पहले मैंने दाल को मिक्सर जार में पीस लिया है और फिर मैंने चावल को भी वैसे ही अच्छे से बारीक बिल्कुल पीस लिया है और मैंने एक टिफिन में निकाल दिया। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे कि बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल देखिए कितने अच्छा हुआ है। तो हम इसको पूरी रात मतलब पूरी रात इसको भिगो मतलब रखेंगे ऐसे टिफिन में पैक करके, गर्मी होगी तो बहुत अच्छे से होगा। तो देखिए कितने सुबह हो गई है और हमारे डोसा के बैटर को रखे पूरे पूरे 12-13 घंटे हो गए हैं। तो देखते हैं वो कैसा हो गया है। तो ये हमारे डोसे का बैटर है और तो इसको खोल के देखते हैं। वाह, देखिए कितने अच्छा हो गया है, बिल्कुल नीचे यहाँ तक था और पूरा ऊपर तक भर गया है। देखिए कितना अच्छा बिल्कुल फूल गया है। अब इसके डोसा बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने डोसा बैटर दूसरी बड़ी तपेली में निकाल लिया है क्योंकि उसमें अच्छे से बन नहीं रहा था, क्योंकि उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो मैंने अब इसको मैं इतना अच्छे से एक ही तरफ हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
गाइस हमारा डोसा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने तवा चढ़ा लिया है, वो भी लोहे का। तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें तेल, बस इतना ही तेल डालेंगे। और इसमें हम अभी हमारे हमें लोहे के तवा में अच्छे से डोसे बनाने हैं, तो फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हम ऐसे इसमें नमक डाल देंगे और एक तो देखिए फ्रेंड्स नमक पूरा जल गया है। अब हम इसको कपड़े से साफ कर लेंगे। तो देखिए मैंने डोसा बैटर अच्छे से डोसा डाल दिया है, हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो ये थाली मैंने अपनी मम्मी को लगा दी है, अब वो चख के बताएंगी कि कैसा बना है।